रॉक, तुमने मुझे थप्पड़ मारा चेहरे पर और रसलमीनिया में मैं लड़ना चाहता हूँ रोमन रेंस के अगेंस्ट, लेकिन तब तक मैं बहुत ज्यादा खाली हूँ, तो ऑफिशियल करते इस बात को रॉक, मुझे तुझसे लड़ना है वन ऑन वन कभी भी कहीं भी। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। एलिमिनेशन चेम्बर 2024 के फुल हाईलाइट को देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो एलिमिनेशन चेम्बर की स्टार्टिंग हमें वुमेन्स एलिमिनेशन चेम्बर मैच के साथ देखने को मिलती है। जैसा कि गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि द मैन बैकी लिंच इस मैच को जीतेगी, अभी गाइस कुछ ऐसा है, बैकी लिन जीत चुकी है वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच को एंड अब वो चैलेंज करने वाली है रिया रिपली को इन रेसलमेनिया फॉर वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जैस्मिन डे ने रिटेन किया अपने टाइटल को फ्रॉम द ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग स्टाइल पीटर एंड टायलर बेट्स से। तो अब गाइस बात करते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में, ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के बारे में, जहां हमारे स्पेशल गेस्ट होने वाले थे कोडी रोड्स एंड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। था तो ये ग्रेसन वॉलर इफेक्ट होना चाहिए था ग्रेसन वॉलर को, लेकिन थे ऑस्टिन थ्योरी। अब ऑस्टिन थ्योरी क्राउड का वेलकम करते हैं ऑस्टिन थ्योरी लाइव में, इसके बाद वो चीप शॉट लेना शुरू कर देते हैं ऑस्ट्रेलियन कल्चर के बारे में और कहते हैं कि जैसे मैंने कदम रखे बहुत, मतलब बहुत बुरा लगा मुझे यहाँ आकर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में आकर मैंने खाया अपनी ही कंट्री का खाना। नाउ ऑस्टिन थ्योरी इंट्रोड्यूस करते हैं ओसी आइकॉनिक ऑस्ट्रेलिया के एथलीट WWE सुपरस्टार ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के होस्ट ग्रेसन वॉलर को। रिंग में आने के बाद ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, ये शायद मेरी जिंदगी की सबसे शानदार रात होने वाली। इसके बाद गाइस ग्रेसन वॉलर चीयर या फिर कह लो चैंट करवाने लगते हैं क्राउड की ओर से ओसी 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 के। अब देखो गाइस ओसी 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 ये चीयर या फिर से चैंट कह सकते हो, जो अक्सर ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स इवेंट में किया जाता है। अब क्राउड को हाइप करने के बाद ग्रेसन वॉलर इंट्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस को। सेथ के रिंग में आने के बाद थोड़ी देर तक क्राउड तो सेथ के थीम सॉन्ग को गाते रहते हैं। इसके बाद गाइस ग्रेसन वॉलर इंट्रोड्यूस करते हैं 2024 मेंस रॉयल रंबल विनर कोडी रोड्स को। लिटरली गाइस क्या कमाल का पॉप मिलता है हमारे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को, क्राउड कितनी अच्छी तरह से उनके थीम सॉन्ग को गा रहे होते हैं। अब रिंग में आने के बाद कोडी कहते हैं कि सो पर्थ व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, तो इसी बीच ग्रेसन वॉलर बीच में बोलते हुए कहते हैं कि रुक जा भाई ये मेरा शो है, तो मैं तय करूंगा कि कौन क्या बात करेगा, चलो सबसे पहले ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एक्नॉलेज करें। अब किससे लड़ना चाहोगे सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में, ये सवाल पूछते हैं गाइस ग्रेसन वॉलर सेथ रॉलिंस से। तो सेथ कहते हैं कि एलिमिनेशन चेंबर मैच भरा पड़ा है कमाल के सुपरस्टार से, मुझे पता नहीं उनमें से कौन जीत के आएगा, सभी लाजवाब है, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट है, मैं बस कुछ दिन दूर हूं मेडिकली क्लियर होने से और ऑफिशियली मैं हो जाऊंगा फिट और डॉक्टर मुझे दे देंगे परमिशन कि मैं फाइट कर सकता हूं रिंग में वापस से, उसके बाद चाहे जो भी जीत के आए मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं रेसलमेनिया में जाऊंगा जहां दुनिया मेरे गाने को गाएगी और इसके बाद मैं करूंगा वो जो मैं केवल करता हूँ, एक लाजवाब एंटरटेनिंग मैच देना। अब ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि अच्छी कहानी है दोस्त, क्या मेन इवेंट होता जब रोमन रेंस रॉक के साथ लड़ता, सबको देखना था वो मैच, तुम ज्यादा सेल्फिश नहीं थे कि तुमने वो मैच छीन लिया उसे कोडी। तो अब कोडी कहते हैं कि नॉट टू गेट इट ट्विस्टेड, इसे तोड़ मोड़ कर पेश ना करो, देखो मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूँ ड्वेन द रॉक जॉनसन का और अगर वो यहाँ पर होते तो मुझे कैंडी कुछ कुछ कहते, मुझे गालियां देते जो वो हमेशा कहते हैं, और वो क्या कहते हैं मेरे फैंस को, कोडी क्राई बेबीज। अच्छा पूछता हूँ यहाँ कोई कोडी क्राई बेबीज प्रेजेंट है, तो सारे फैंस गाइस यहाँ अपने हाथ को उठा लेते हैं और कोडी कोडी के चैंट करना शुरू कर देते हैं। एक चीज तो साफ है कि रॉक को जिस बारे में बात नहीं करनी है वो है कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, कि मैंने रेसलमेनिया के मेन इवेंट में अपने पैर बाहर क्यों किए ताकि मैं फिर से एक बार अंदर आ सकूं। अब कोडी को रोकते हुए वॉलर कहते हैं कि रुको रुको तुम पीपल्स चैंप की बात कर रहे हो, तुम वो करो जो तुम्हें कहा गया है। तो कोडी कहते हैं कि पीपल्स चैंपियन वो एक बहुत बड़ा टाइटल है जिसे आप अपने आप को टाइटल नहीं दे सकते, एक समय था जब रॉक पीपल्स चैंपियन थे, पीपल्स चैंपियन बनने के लिए आपको लोगों के साथ रहना पड़ता है, उनके बीच रहना पड़ता है। एक अनाउंसमेंट करने का बहुत मन कर रहा है, फिलहाल मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, रॉक तुमने मुझे थप्पड़ मारा चेहरे पर और रेसलमेनिया 40 में मैं लड़ना चाहता हूँ रोमन रेंस के अगेंस्ट, लेकिन तब तक मैं बहुत ज्यादा खाली हूँ, तो ऑफिशियल करते इस बात को रॉक, मुझे तुमसे लड़ना है वन ऑन वन कभी भी और कहीं भी। क्राउड गाइस यहाँ यस यस और अभी इस मैच की डिमांड करने लगते हैं। तो अब आगे आते हुए सेथ कहते हैं कि तो क्या बोलते हो पर्थ वालों, हम इस सांप को बिना लाठी टूटे मार ही देते हैं, कोडी तुम जानते हो कि ब्लड लाइन के सामने आने का मतलब है कोई वन ऑन वन नहीं होता, रॉक तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है, तुम याद रखना तुम अकेले नहीं लड़ने वाले हो। इसके बाद गाइस ग्रेसन वॉलर बीच में आते हुए कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन एक बहुत बड़ा खुलासा। अब गाइस ये क्या था, एक सेकंड बोलते हुए ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर से माइक को छीन लेते हैं और कोडी से कहते हैं कि हे अपना मुंह बंद रखो, एक बात साफ करने दो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम
रॉक से रेसलिंग करोगे? तुम्हें यही लगता है? इट डजंट मैटर व्हाट यू थिंक, फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो। अब गाइस ऑस्टिन थ्योरी यहाँ रॉक बन चुके थे। 37 सीट पे हंसते हुए कहते हैं कि काफी अच्छा था वो, काफी बढ़िया एक्टिंग करते हो। एक बार वो बड़ी वाले, सबसे बड़ी वाले डायलॉग बॉडी को दिखाते हुए। तो गाइस अब अपने शर्ट को निकालते हुए ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि इफ यू स्मेल, ओ भाई क्या कर रहे हो। यहाँ गाइस अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर। चलो भाई ग्रेसन वॉलर बच गए, नहीं तो उनकी होम कंट्री में क्या इज्जत रह जाती। यहाँ से गाइस ये क्लियर हो चुका है कि रॉक बहुत जल्द आपको रसल करते हुए नजर आएंगे। पॉसिबली एक टैग टीम मैच होगा जहाँ रॉक रोमन रेंस एक साइड होंगे एंड कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस होंगे। तो गाइस द स्कॉटी साइकोपैथ ड्रू मैकएंटायर है मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के विनर एंड इनका मैच भी कंफर्म हो चुका है सेथ रॉलिंस के साथ रेसलमेनिया के लिए। एलिमिनेशन चेंबर के मेन इवेंट में एक कमाल के मैच के बाद रिया रिप्ली ने नाया जैक्स को हरा के अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। ये काफी कमाल का मोमेंट था जब रिया ने इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया अपने फैमिली के साथ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।